हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडीगढ़। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के उन क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को समझ लिया तो आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का आंतरिक समद्विभाजक एक दूसरे को कहाँ पर O बिंदु पर काटते हैं, तो BOC का मान क्या होगा। BOC का मान पूछ रहा है इसमें और हमें कोण A का मान गिवन है कितना, 50 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ब्लैक। सबसे पहले हम क्या त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज ABC, ये A है, ये B है, यहाँ पे ये C है। अब ये बोल रहा है कि कोण B और कोण C का क्या है, आंतरिक समद्विभाजक यानी इंटीरियर बाइसेक्टर है। तो ये रहा इंटीरियर बाई सेक्टर। अब ये किस बिंदु पर मिल रहा है, इस ओ पे मिल रहा है। अब ये पूछ रहा है BOC का मान क्या होगा, यानी BOC यानी इस ओ का मान क्या होगा। अब एक हमें दिया गया कितना, 50 डिग्री। अब यह इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा है, कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला इस क्वेश्चन को करने के लिए। जब भी कभी कोई दो एंगल बाइसेक्ट हो रहे हो, आंतरिक बाइसेक्टर इंटीरियर बाइसेक्टर हो रहे हो और किसी एक बिंदु पर मिल रहे हो, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे क्या है कि सबसे पहले ये फॉर्मूला कहाँ से बना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे हम रट लें डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूला देखो कैसे बनता है। वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए केवल है कि कैसे बना हुआ है। हमें बता रहा है कि यहाँ पे कोण भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी आंतरिक समद्विभाजक यानी समान दो भागों में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या है, B/2, यहाँ पे भी B/2 है, ये क्या हो गया C/2, ये भी C/2, ये हम थीटा मान लेंगे। तो हमें कौन से दो कोण हैं, एक ABC बड़ा वाला, एक छोटा वाला BOC। हमें मालूम है कि तीन किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक, और ये छोटा वाला देखो, छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, BOC, तो थीटा प्लस यानी ये थीटा और ये B/2 प्लस C/2 बराबर क्या, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थीटा प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे दो कोमल लेंगे तो B प्लस C हो जाएगा, यहाँ पे थीटा प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें BOC के मान की ज़रूरत है, तो हम वो यहाँ से ले लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A। अब इस 180 को हम यहाँ पे इस बी प्लस सी की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस कोण A/2 बराबर क्या, 180 डिग्री। हम दोनों को अलग अलग लिख लो, यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री / 2 माइनस कोण A/2 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 180 में 2 का भाग 90 बार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों पोर्शन को इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा यहाँ से, थीटा बराबर 180 माइनस 90 प्लस, यहाँ पे माइनस के A/2 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कोण A/2। अब 180 में से 90 कटाओ तो 90 बचेगा यहाँ पे, तो कोण A/2। थीटा हमने क्या माना था, कोण BOC, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, कौन सा, कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ डिटेल जाने, केवल आपको ये फॉर्मूला रट लेना है, आगे से ये फॉर्मूला याद रखना कि कैसा होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे क्या आंसर आएगा, 90 प्लस कोण A/2 50/2। ठीक है, कितना आ गया, 25 यहाँ से, तो 90 और 25 कितना, 115। बस ये आंसर इसका,
ये सब समझने के लिए था कि यहाँ कैसे फॉर्मूला बना है, कहाँ से आया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, और यहाँ पे केवल आपको ये ध्यान रखना है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि कभी भी दो एंगल बाइसेक्ट यानी आंतरिक समद्विभाजक हों, किसी एक बिंदु पर मिल रहे हों, तो हमेशा क्या होगा, कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस कोण ए बाई टू फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें और क्या पूछ सकता है, यहाँ पे पूछा गया है कि बी ओ सी का मान क्या है। अब यहाँ पे कोण ए बाई टू हमें गिवेन है क्वेश्चन में, अब बी ओ सी पूछ रहा है, तो भी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है कि कोण ए का मान बताइए, तो बी ओ सी हमें गिवन होगा, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ से एंगल चेंज भी कर सकता है, बी सी कर सकता है यहाँ पे, अगर ए और सी हो रहा होता तो हमेशा क्या होगा, इसका अपोजिट होगा हमेशा, ध्यान रखना, जो जिसके सामने वाला कोण होगा, जैसे ये दोनों कोण है आंतरिक समद्विभाजक अगर हो रहे हैं, तो इसके अपोजिट वाले एंगल को हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये वाले कोण होंगे तो इसके अपोजिट वाला ये एंगल होगा, अगर ये वाले कोण होंगे तो इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी सी का वाय समद्विभाजक एक दूसरे को कहाँ पे ओ बिंदु पर काटते हैं, तो बी ओ सी का मान क्या होगा यदि कोण ए बराबर 70 डिग्री। अब यहाँ पे त्रिभुज हम सबसे पहले बनाएंगे, त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ए बी और सी, बी और सी का बाह्य समद्विभाजक यानी एक्सटीरियर बाय सेक्टर, पिछले वाले क्वेश्चन आंतरिक था, इसमें बाह्य है। अब बाह्य समद्विभाजक कैसे, ऐसे बनाते हैं, ये देखो कहाँ पे ओ बिंदु पर मिल रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है, बी ओ सी बराबर 90 माइनस कोण, ये देखो अपोजिट है इसका, हमेशा अपोजिट होगा उसका ए बाई टू, पिछले में प्लस था इसमें माइनस है, क्यों, क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो माइनस है, अंदर आ रहे हैं प्लस है, ऐसे आप याद रखना। अब इसकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, कि डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद रखो कि फॉर्मूला ये लगता है, डिटेल में टाइम वेस्ट क्यों करो, तो हमेशा याद रखना कोण बी ओ सी बराबर 90 माइनस कोण ए बाई टू लगेगा फॉर्मूला, तो 90 माइनस कोण ए का मान क्या है 70 डिग्री, अपॉन दो 35 हो गया यहाँ पे, तो 90 माइनस 35 करेंगे तो क्या 55 आएगा, आंसर क्या होगा 55 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बी ओ सी की जगह कोई और मान हो सकता है, नाम दे सकता है, पी क्यू आर त्रिभुज के नेम हो सकते हैं, कोई और नाम हो सकता है, यहाँ पे आई हो सकता है, तो फॉर्मूला सिर्फ यही लगेगा, यहाँ पे नाम सिर्फ चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। बस दिशा याद रखना, अगर अपोजिट एंगल हमेशा रहता है इसमें माइनस में कोण ए बाई टू होगा, जो भी अपोजिट होगा, अगर ये एंगल है तो उसका अपोजिट होगा, बस ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का आंतरिक समद्विभाजक और कोण सी का वाय समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, तो बी ओ सी का मान क्या होगा यदि कोण ए बराबर 84 डिग्री हो। अब यहाँ पे क्या है, त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये ए है बी है यहाँ पे सी है, बी का आंतरिक तो यहाँ पे अंदर से ले लें, और सी का बाह्य, ये तो सी का क्या है बाह्य, यहाँ पे सी का बाह्य समद्विभाजक है, यहाँ पे सी, ये सी का बाह्य समद्विभाजक ओ पे मिल रहा है, और हमें एक दिया गया है 84 डिग्री। अब ये वाला एंगल पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है कोण बी ओ सी बराबर 9 कोण बी ओ सी बराबर कोण ए वाई 2, इसका हाफ हो जाता है यानी 84/2 बराबर 42 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है और एई भुजा बीडी पर लंब है, तो डीएई का मान क्या होगा यदि कोण बी और सी बराबर 80 और 40 डिग्री हो। तो देखो ये कैसे क्वेश्चन करते हैं, ये त्रिभुज बनाते हैं, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कोण ए डी ए का आंतरिक समद्विभाजक, यानी ए है जी, ए का आंतरिक समद्विभाजक है ए डी, ये आंतरिक समद्विभाजक, और ए ही भुजा बी डी पर लंब है, ये है बी डी, तो इसी पे लंब होगा यहाँ पे, ये लंब खींच दिया हमने, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या गिवन है, कोण बी और कोण सी, इसके दो तरीके हैं,
पहला तरीका आप डायरेक्ट बना सकते हो कि जैसे यहाँ पे कोण बी और कोण सी का अंतर करके और दो से भाग दे दो। तो यहाँ पे कोण डी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे कोण बी माइनस कोण सी अपॉन टू, ये एक फॉर्मूले से बना सकते हो आप ये फॉर्मूला, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें 80 डिग्री दिया गया, यहाँ 40 डिग्री मान दिया गया। अब यहाँ पे ये वाला एक कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 80 और 40 कितना होता है 120, और 120 60 180, यानी तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 60 हो जाएगा। अब AD के आंतरिक समद्विभाजक, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर बाह्य कोण हो जाएगा, तो कितना 70 डिग्री। और ये लंब है, लंब कितना होता है 90 डिग्री, जहाँ पे लंब गिरता है वहाँ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ऐसे भी एक तरीका ही है, दो तरीका है आपको बनाने के इसमें। और ये वाला इस वाले तरीके से 80 माइनस 40 अपॉन 2, तो क्या 20 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ये दो तरीके से बन सकता है, दोनों तरीके समझ में आए, ठीक है। ऐसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक समद्विभाजक है, यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 14 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो BD की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ये रहा, ठीक है, ABC बने क्या। अब यहाँ पे बोल रहा है AD कोण A का आंतरिक समद्विभाजक, तो AD हमने खींच दिया ही है, आंतरिक समद्विभाजक है, तो यानी दो आंतरिक समद्विभाजक हो गए। AB हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, AC हमें 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमेशा याद रखना, जब भी कभी कोई एक एंगल आंतरिक समद्विभाजक हो और तीनों भुजाएं गिवेन हो और BD की लंबाई पूछी हुई हो, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, AB अपॉन AC, यानी ये दो भुजाएं अपॉन का रेशियो BD अनुपात DC के बराबर होगा, यानी BD अपॉन DC के बराबर होना होगा यहाँ पे। तो AB हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर, तो BD अपॉन DC मिल जाएगा हमें, तो BD अनुपात DC बराबर 10 अनुपात 14 हो जाएगा। अब दो से काटो, दो पंजे 10, दो सत्ती 14, यहाँ पे 5:7, यानी BD अनुपात DC बराबर क्या होगा, 5:7। अब BC की लंबाई हमें मालूम है, तो BD की लंबाई हमें मालूम पड़ जाएगी यहाँ से, तो BD बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5/12 इंटू 6, 6×2=12, यहाँ से क्या 2.5 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था कि आंतरिक समद्विभाजक, जब भी कोई दो कोण आंतरिक समद्विभाजक थे, दो कोण आंतरिक समद्विभाजक थे, ये देखो जी आंतरिक समद्विभाजक थे, तब कौन सा फॉर्मूला लगा था, ये वाला 90+AY2, ठीक है, इसके अपोजिट था ये एंगल। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हमने कौन सा सीखा था कि बाह्य समद्विभाजक कोई भी एक्सटीरियर बाइसेक्टर हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगा था, तो BOC बराबर 90-AY2। ऐसे ही जब आंतरिक और बाह्य यानी दोनों थे, तब कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, कोण BOC बराबर AY2। तीनों फॉर्मूले याद हो गए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।